इस वीडियो के माध्यम से आप ओशो आश्रम पुणे में स्थित ओशो की समाधि एवं आश्रम के ट्रस्टियों द्वारा ही इसे नष्ट किए जाने के बारे में जानेंगे। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन और नियो संन्यास फाउंडेशन दो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो ओशो की समाधि सहित आश्रम की सभी संपत्तियों की देखभाल करते हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो के शरीर छोड़ने के बाद ओशो के निजी चिकित्सक स्वामी अमृतो ने बुद्धा हॉल में घोषणा की कि ओशो ने उन्हें ओशो की समाधि बनाने का निर्देश दिया था। He said that his samadhi will be in Shwangta Zoo. There are many other things that he said that we'll let you know. I sat on the bed. He sat on the bed. And I sat next to him and I asked him what we should do for his samadhi. You just put my ashes in Shwangta Zoo under the bed and then people can come in and meditate there, he said. उसी के अनुसार ओशो के अस्थि फूल लाकर उनकी समाधि में रखे गए। इस जगह को पहले चुआंग तजू ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता था, जहां वर्ष 1987 तक ओशो के प्रवचन होते थे। ओशो के शरीर छोड़ने के लगभग 5 महीने पहले अगस्त 1989 में चुआंग तजू ऑडिटोरियम को ओशो के नए बेडरूम के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन ओशो इसमें केवल 15 दिन ही रहे, फिर वे वापस अपने पुराने बेडरूम में चले गए। नए बेडरूम यानी चुआंग तजू ऑडिटोरियम को ओशो के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी समाधि बनाया गया। समाधि पर अंकित शब्द स्वयं ओशो ने निर्देशित किए थे, जो इस प्रकार हैं: ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे। केवल 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह पर आए। But those who had loved the master, for them the master is always there. Still, the people who had loved Raman Maharishi, the master is there. They still have the same feel when they go to Arunachal, his place, his mountains, and when they sit near his samadhi. It has still the same fragrance, the same freshness, the same presence, the same radiance. And Raman still answers, and Raman still instructs, and Raman still comes into their dreams, into their visions. That for them there is no need to go anywhere. लगभग 20 वर्ष बाद आश्रम ट्रस्टियों के निर्देश से समाधि से ओशो की तस्वीर, समाधि पर अंकित शब्द और समाधि शब्द वाले सभी साइन बोर्ड आश्रम से हटा दिए गए। 2012 में आश्रम के ट्रस्टियों ने मुंबई चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय में एक हल्फनामा प्रस्तुत किया, जिसमें आश्रम में ओशो की समाधि के होने से इनकार किया गया था। यह हल्फनामा अंग्रेजी भाषा में है, जिसकी शब्दावली का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: यह पूर्णतः गलत है कि ओशो की कोई समाधि ट्रस्ट की संपत्ति पर मौजूद है। यहाँ पर ओशो की कोई भी समाधि या समाधि जैसा ढांचा कभी भी नहीं था। हालांकि सच्चाई यह है कि आश्रम में ओशो की समाधि के अलावा 5 और समाधियां हैं। यह 5 समाधियां ओशो के प्रबुद्ध शिष्यों की हैं। वे हैं ओशो के पिता स्वामी देवतीर्थ भारती, स्वामी आनंद विमल कीर्ति, स्वामी आनंद मैत्रेय,
ओशो की माता माँ अमृत सरस्वती और माँ आनंद सीता। ये सभी समाधियाँ ओशो के निर्देशानुसार ही बनाई गई थी। आश्रम के ट्रस्टियों द्वारा ओशो समाधि के अस्तित्व के इनकार को ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन ने कानूनी रूप से चुनौती दी है और यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। आश्रम के ट्रस्टी ओशो समाधि के अस्तित्व को क्यों नकार रहे हैं? क्या यह सब इसलिए किया गया है कि भारतीय कानून व परंपरागत मूल्यों के अनुसार ऐसी कोई भी जगह बेची नहीं जा सकती जहां पर किसी गुरु की समाधि मौजूद हो? पिछले 20 से अधिक वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें आश्रम के ट्रस्टियों ने या तो आश्रम की संपत्तियों को बेचा या आश्रम की अन्य धनराशि को अपने निजी कंपनियों में ट्रांसफर किया है। आश्रम में हुए इस प्रकार के कई घोटालों से मिले सबूतों के आधार पर इन घोटालों की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम अपने आने वाले वीडियो में इन सभी मामलों का पूरा विवरण लेकर आएंगे। याद रहे कि यह आश्रम मात्र जमीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो का बुद्ध क्षेत्र है जहां उनकी दिव्य उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ओशो सन्यासियों एवं ओशो प्रेमियों को ओशो की समाधि और उनके बुद्ध क्षेत्र को बचाने के लिए आह्वान करते हैं।